हरियाणा के हिसार में कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का आज लगातार दूसरा दिन और दूसरे दिन का आगाज प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और उनकी टीम के द्वारा एक ऑर्गेनिक फार्म में उसकी विजिट करके किया गया है। सबसे पहले यहीं पहुंचे हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम भी साथ साथ पहुंची है और साथ साथ उन मुद्दों पर चर्चा भी हम करेंगे कि किस तरह से किसान कम लागत में ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। पहला सवाल यही सर, आज इस तरह से किसान मेले का दूसरा दिन और दूसरे दिन क्या इस तरह की बातें किसानों को भी बताई जाएंगी कि किस तरह से कम लागत में जो है किसान ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं? हमारे कृषि विश्वविद्यालय का ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संस्थान है, प्राकृतिक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का है और ये एक प्रदर्शनी का वो है, प्लॉट है। यहाँ पर जो किसानों को जब भी आते हैं उनको कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, क्या क्या हमारे इलाके में हो सकता है, कैसे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये 100 एकड़ से बड़ा फार्म है, इसमें से 18-20 एकड़ में बागवानी कर रखी है। आपने देखा है कि ये सामने बहुत सारे अलग अलग फल के पौधे हैं, अमरूद है, मौसमी है, किन्नू है, उधर आगे केला का भी है और ड्रिप पर बगैर खाद के, बगैर पेस्टिसाइड के इन्होंने इतने अच्छे पौधे तैयार किए हैं और इनका उत्पाद जो है फार्म से ही दुगने तिगने रेट पर बिक जाता है। एक एक एकड़ में ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के फल बेच लेते हैं तो किसान भाई भी इसको देखकर प्रेरित होते हैं। इसी तरह से जो बगैर उसके जहर मुक्त खेती करने के गेहूं की, धान की भी और जो दूसरी खेतियां हैं दालों की, उसके भी यहाँ फार्म हैं, उसके भी यहाँ अलग अलग प्लॉट्स हैं और ये विश्वविद्यालय यही देखता है किसान हित में, जो किसानों को खेत में ले जा करके करके दिखाते हैं कि भाई ऐसे आप करो, ऐसे आप इसको कॉपी करो और किसान ये सही है कि उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। जब तक वो किसी को देख नहीं लेता अपनी आंखों से तब तक उसको भरोसा नहीं होता। तो ये विश्वविद्यालय इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं समझता हूँ किसानों को इसका लाभ उठाना चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आजकल काफ़ी तवज्जो दी जाती है, काफ़ी महत्व दिया जाता है, काफ़ी महंगे भी हैं और कहीं न कहीं बाज़ार में जब उपलब्धता की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली जो उनको माना जाता है। अगर पैदावार की बात करें सर, ऑर्गेनिक तरीके से या फिर जो कीटनाशकों का प्रयोग करके, यूरिया का प्रयोग करके जो प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, कितना उनमें फ़र्क, क्योंकि किसानी महकमे से जुड़े मंत्री हैं आप, इस बात का इल्म लोगों को भी होना चाहिए, कितना फ़र्क उसमें आता है सर? देखिए, मैं कृषि मंत्री से पहले किसान भी हूँ और किसान भाइयों से मैं एक चीज़ प्रार्थना करता हूँ कि आप सारी चीज़ें एकदम ना बदलें लेकिन कम से कम अपने कंजम्पशन के लिए 1-2-3 बीघा सब्जियाँ हैं, धान है, चावल है, गेहूँ है, जो भी पैदा करना चाहते हो, बाजरा है, वो करके देखें। आप हमारी ना माने, खुद करके देखें, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी आपकी कॉस्ट कटिंग की है, कितना पैसा आपका बर्बाद फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड में जाता है, कितना उत्पादन में कमी आई है। किसान करेगा तो एक प्लॉट पे करके देखेगा तो उससे बड़ा कोई अपने आप में फैसला करने वाला कोई नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा के अंदर हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, नेचुरल वे में काम कर रहे हैं, उनकी ग्राहक दिल्ली से, गुड़गांव से चल के खेत में आकर के 3-3 गुने रेट पर के लेके जाता है। ग्राहक को ये विश्वास होना चाहिए कि भाई इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, इसमें फर्टिलाइज़र नहीं है, बहुत बड़ी बाजार है, बहुत बड़ी मांग है और धीरे धीरे करके किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा में सोयल की बात करें, मिट्टी जांच के लिए भी कहीं न कहीं लैब स्थापित की गई है सर, पानी जांच के लिए भी लैब स्थापित की गई हैं। जो बात करें अगर मिट्टी की, कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और वजह यही है कि लोग जो है प्राकृतिक खेती को कहीं न कहीं उसके आगे अड़चन आती है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे लगता है कृषि विभाग के द्वारा? ये चिंता की बात है कि हमारी जो धरा है, धरती माता है, इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। कार्बन कंटेंट में जो इसका होना चाहिए 0.8-0.7, आज ज़्यादातर हरियाणा के अंदर 0.2 या 0.3 हो गया है और जब तक उसके अंदर DAP यूरिया ना डालें तो फसल होनी बंद हो जाएगी। कब तक हम अत्यधिक दोहन धरती माता का करते रहेंगे? अल्टीमेटली उसकी जो नेचुरल वे में जो उसकी शक्ति होनी चाहिए उसको वहीं तक ले जाना पड़ेगा और इस साइकिल से निकलना हमें पड़ेगा। इसलिए हमने प्राकृतिक खेती के लिए अलग विभाग बनाया है, जो प्राकृतिक खेती के किसान करते हैं उसको जीवामृत घनामृत बनाने की विधि देते हैं, पैसा भी देते हैं, ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सीधी उसके खाते में पैसा डालते हैं देसी गाय से। और किसान भाई, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके इस विधि को प्रयोग में ला के देखें,
उनको फ़ायदा होगा और कम से कम आज जो बीमारियों से भरा पड़ा है हमारा समाज, उसके परिवार को कम से कम एक अच्छा उत्पाद उपयोग में ला करके उससे जरूर फायदा होगा। क्या माना जाए इस तरह की, आखिरी सवाल सर, ऑर्गेनिक खेती को अपना कर क्या किसान समृद्ध हो पाएंगे? क्या किसान जो इस तकनीक को अख्तियार करके कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आय को दोगुनी तिगुनी कर पाएंगे? देखिए, कोई एक विषय नहीं है कि आप एक तरफ ही सारा ध्यान दें, धीरे धीरे चीज करके आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ तो आपको कॉस्ट कटिंग के लिए प्राकृतिक खेती करें, कुछ ये है कि फसलों का विविधीकरण करें, कुछ ये है कि आप प्रोसेसिंग के काम करें, कुछ ये है कि आप मार्केट को समझें, कुछ इसी तरह से खेती के अलावा आप डेयरी पर ध्यान दें, फिशरी का काम करें, मधुमक्खी पालन करें, मशरूम का काम करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें हमारी हर चीज़ के लिए हमारा कृषि विभाग की, हरियाणा की स्कीम है, सब्सिडी है, ट्रेनिंग है, सब चीज़ किसानों को मेले लगाते हैं, किसानों को खेत में लेके जाते हैं, किसानों को सम्मानित करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि कल हमारे उपराष्ट्रपति जी आए, जो प्रगतिशील किसान थे उनको उन्होंने आमंत्रित किया कि भाई आप लोगों ने नवाचार किए हैं, आपको मैं भोजन के लिए निमंत्रण देता हूं, राष्ट्रपति भवन में आए। तो इस तरह से किसानों के, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका ध्यान इस तरफ है कि किसान जो अन्नदाता है उसकी आर्थिक हालत सुधरे और देश के अंदर क्वालिटी भी अच्छी हो खाद्यान्न की, किसान के परिवार की सामर्थ्य बढ़े, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो और आम समाज को एक अच्छा खाने पीने का उत्पाद मिले। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ना केवल ऑर्गेनिक खेती बल्कि बहुआयामी खेती को बढ़ावा देना होगा और इसी मकसद से आज दीनदयाल उपाध्याय ऑर्गेनिक फार्म जो है हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है, आप देख पाएंगे यहाँ पर उनका विजिट किया गया है, तमाम जो एक्सपर्ट्स थे वो भी साथ थे और उनके द्वारा एक ही बात मंथन किया गया है कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो निश्चित तौर पर बहुआयामी खेती को बढ़ावा देना होगा और शायद इसी मकसद को साथ लेकर दिल्ली में ट्रेड फेयर की तर्ज पर हरियाणा के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, भूमिपुत्रों के लिए एक तरह से एक किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने भी दिखाया कि किस तरह से किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से नई नई तकनीकें ईजाद करके वो लाभ ले सकते हैं। हिसार से वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।